हुआ है, ठीक है? इस क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और यस और नो। तो अगर एपी दिया है तो फर्स्ट टर्म दे दिया, ए हमारा हो गया 11। अगर हमारा ए 11 हो गया तो डी भी निकाल सकते हैं। 8 - 11, ध्यान रखना, -3। लेट जो टर्म की पोजीशन निकालनी है ए एन, -150 हमें निकालना है एन, पोजीशन क्या है? तो आपके पास आप डायरेक्ट रख सकते हो -150 विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी हमारा है -3। देखो जरा ध्यान से, मैं एक ही उसमें कभी कभी एमसीक्यूज में पूछेगा। जी बेटे, जी कर लो जी, बार-बार कॉल कर लो जी। जरा इधर देखो, अब मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। सब बच्चे इधर देखो, एक ही लाइन से मेरा मतलब क्या है, -150 - 11 तो वो हमारे पास हो जाएगा -161। 3 से मुझे करना था डिवाइड तो वो हो जाएगा -3, और 1 को मुझे करना है प्लस, तो ये मेरा आंसर है एन। यस और नो सब बच्चे बताओ? यस सर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब 161 3 से बेटे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 1 3 हो जाएगा, तो 161 में 3 ऐड करोगे तो 164/3 इज इक्वल टू एन, नॉट एन, नॉट, ये हमारे पास इज नॉट एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ए टर्म। सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब बच्चे ध्यान से देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज चेंज करेगा क्वेश्चन, यही का मतलब सारी चीजें सेम है, नंबर्स चेंज करेगा, नंबर्स।